इसमें डेटाबेस है हमारा, इसमें यूजर्स टेबल है। यूजर्स में आप देखिएगा एक यूज़र नेम कॉलम ले रखा है, पासवर्ड ले रखा है, उसको रोल भी दे रखा है मैंने सुपर एडमिन, है ना। मेरा यूज़र नेम है एडमिन और मेरा पासवर्ड भी क्या है, एडमिन है। ये एडमिन मैंने प्लेन में स्टोर नहीं करवा रखा है, मैंने इसका इनक्रिप्टेड हैश स्टोर करवा रखा है। और ये हैश किसका है, MD5 फंक्शन का हैश है, ठीक है। सो चूँकि ये पूरी वेबसाइट हम एजेक्स के थ्रू बना रहे हैं, तो इसमें मोस्टली हमारा जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी यूज़ होगा, ठीक है। सो मैंने ये इंस्पेक्ट एलिमेंट किया। और आपको जब भी एजेक्स पे काम कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, तो दो टैब आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो कंसोल और दूसरा नेटवर्क। तो यहाँ पर कंसोल पे देखना है आपको, है ना। ये कुछ लॉग्स आ रहे हैं आपके पास, कुछ नेटवर्क टैब में देख लेना। सो आप देखिएगा, मैंने नेटवर्क टैब पे गया और यहाँ पर मैंने एडमिन, मैंने लिखा एडमिन और पासवर्ड भी लिखा ADMIN एडमिन। ये मैंने साइन इन क्लिक किया, देखो वेलकम आया। क्यों वेलकम आया, क्योंकि सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी कहाँ गई, ajax.php में। हेडर टैब्स आपको ये पता चलेगा कि किस पेज पर क्या क्या डेटा भेजा गया है। सो इस URL पर, इस URL में एक्चुअल में लास्ट में क्या आ रहा है, ajax.php, मतलब रिक्वेस्ट किस पेज पर गई है, ajax.php। अब रिक्वेस्ट किस टाइप की गई है, गेट या पोस्ट, तो ये पोस्ट बता रहा है। और ये 200 ये बताता है कि जिस फाइल के लिए आपने रिक्वेस्ट करी है वो फाइल सर्वर पर मौजूद है। तो 200 का मतलब होता है फाइल फाउंड। और अगर इसकी जगह 200 की जगह 404 आ जाए, 404 आ जाए, तो उसका मतलब होता है फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। सो ये जिस फाइल के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है ये फाइल सर्वर पर मौजूद है, इसलिए इसका स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 200। अब नीचे नीचे लास्ट में जाना फॉर्म डेटा सेक्शन में, तो ये आपको ये बता रहा है कि ajax.php पर आपने कुछ डेटा भेजे। एक्चुअल में आपने दो डेटा भेजे, एक तो एक्शन और दूसरा माई डाटा। माई डाटा के अंदर आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने jQuery के अंदर आप देखोगे तो मैंने फॉर्म के डाटा को सीरियलाइज कर रखा है। यहाँ पर लास्ट क्लास में आप जाके देखेंगे, सो फॉर्म पे इवेंट हो रही थी और पूरे फॉर्म के डाटा को $this सीरियलाइज कर दिया, मतलब फॉर्म के अंदर आने वाले जितने भी इनपुट्स थे उनको की और वैल्यू में मैंने अरेंज कर दिया। ये देखो, नेम इज इक्वल टू वैल्यू एंड नेम इज इक्वल टू वैल्यू, इसमें मैंने अरेंज कर दिया। सो ये अरेंज किसकी मदद से हो रहा है, इस सीरियलाइज फंक्शन की मदद से हो रहा है। और ये मैंने सर्वर पर सक्सेसफुली ये डाटा को सेंड कर दिया, ठीक है। अब इसका थोड़ा रिस्पॉन्स में देखो, ये 1 आ रहा है, मगर ये 1 और 0 एको करना है, ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ये तो कल मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बेसिक लॉजिक बताने के लिए मैंने 1 और 0 किया था। प्रोफेशनल तरीका क्या होता है कि जब भी सर्वर से कोई रिस्पांस आता है वो हमेशा जेसन एनकोडेड आता है, जेसन की स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि जेसन की स्ट्रिंग में वो कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये जो मेरा नंबर ऑफ रोज है, ये 1 और 0 से मैं एक सिंपल लॉजिक लगा रहा था, मगर ये सही तरीका नहीं है। आगे हमें यहाँ पर थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे चलना है, और यहाँ पर हमें जेसन एनकोड में हमें डाटा देना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप अपना एक अरे बिल्ड करो, और ये मेरा अरे हो गया, और इस अरे को आप एक एसोसिएटिव अरे बना दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एसोसिएटिव अरे बनाया। एसोसिएटिव अरे में हमेशा की और वैल्यू में पेयर होता है, मतलब ये एरो से लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होता है, की होता है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया स्टेटस, तो यहाँ स्टेटस मैंने क्या दे दिया, 200, ठीक है। तो स्टेटस 200 मतलब यूज़र वैलिड है, और 404 मतलब यूज़र नॉट वैलिड है। तो ये डेटा मुझे रिटर्न करना है। सो मैं रिटर्न 2 करवा सकता हूँ, इफ और एल्स। सो यहाँ पर मैंने लिया इफ और एल्स। सो मुझे स्टेटस 200 करवाना है कि वो करवाना है 404, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज पे। सो इसको मैंने क्या किया, नंबर ऑफ रोज को मैं चेक करवा लूँगा कि नंबर ऑफ रोज अगर क्या हो, 1 हो, तो मुझे स्टेटस क्या रिटर्न करवाना है, ठीक है। और एल्स मुझे नंबर ऑफ रोज क्या करवाना है, 404। ये 404, ये 200, ये जरूरी नहीं है कि 200 ही लेना है, 404 ही लेना है, आपकी जो मर्जी पड़े वो आप ले लेना, कुछ भी नंबर ले सकते हो। बट ये नंबर आपके स्टैंडर्ड नंबर्स नहीं है ना, जनरली आप कोड देखोगे तो 200 किसी चीज़ की सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, 404 उसके फेलियर को रिप्रेजेंट करता है टेक्निकल लैंग्वेज में। सो जब भी सर्वर पर यूज़र मिला है तो हम 200
सेंड करेंगे, और अगर यूज़र नहीं मिला है तो उसको 404 से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको करना पड़ेगा जेसन एनकोड नाम का एक फंक्शन होता है। जेसन एनकोड में आप देखिएगा ये मिक्स्ड वैल्यू, मिक्स्ड वैल्यू मतलब अरे, सो मिक्स्ड वैल्यू इसको चाहिए। सो जेसन एनकोड किया मैंने, और यहाँ पर मिक्स्ड वैल्यू एक्चुअल में क्या है मेरा डॉलर डाटा, क्योंकि डॉलर डाटा को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रखा है, और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब अरे। सो ये जेसन एनकोड को मैं यहाँ पर क्या करवा दूंगा, एको करवा दिया, और इसी जेसन एनकोड को मैं यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देखोगे कि सर दोनों ही ब्लॉक में आपने बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो दोनों ही ब्लॉक में जेसन एनकोड करना है तो बेटर ये है कि मैं इफ और एल्स के बाद में कर दूं और इन दोनों की जगह से हटा दूं, तो इससे क्या होगा मेरा कोड रिड्यूस हो जाएगा। हमेशा डेवलप करते समय, एप्लीकेशन डेवलप करते समय रीयूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, इसके बारे में हमेशा सोचते रहना, और कोशिश करते चलो कि कोड जितना ज़्यादा रिड्यूस हो सके, जितना कम से कम लाइन में आपका काम हो जाए, वो परफॉर्मेंस को डिनोट करता है, आपकी एप्लीकेशन फास्ट होगी, क्रैश नहीं होगी, है ना। सो ये जेसन मैंने एनकोड किया, ठीक है, और हमेशा से आपको इसी तरीके से आपको काम करना है, ये सबसे प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है। अब आप देखते हैं, इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप एडमिन, पासवर्ड एडमिन, मैंने साइन इन क्लिक किया, ये यहाँ से मैंने क्लियर लॉक्स कर दिए, ये देखो ये वेलकम अभी भी आ रहा है, यहाँ से गए और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड कोई एरर आ रही है, देख लेते हैं कहाँ पर आ रही है। ajax.php में लाइन नंबर 35 पर कोई दिक्कत आ रही है, तो लाइन नंबर 35 पर कोई दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया, तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। रिफ्रेश किया, वापस से गए, ये हटाया मैंने वापस से लिखा एडमिन, पासवर्ड लिखा एडमिन, और मैंने साइन इन पर क्लिक किया, इस पर गए, देखिए स्टेटस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब ये जो स्टेटस आ रहा है ये सर्वर का रिस्पांस है। जब क्लाइंट साइट पर इसी डाटा को मैं रिसीव करूंगा तो मुझे कंसोल टैब में जाना पड़ेगा, तो कंसोल टैब में देखिए कि रिस्पांस को भी मैंने क्या कर रखा है, कंसोल लॉक कर रखा है। तो ये आप देखिएगा यहाँ इंडेक्स में गया, ये जब रिस्पांस आएगा तो ये वाला ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल है रिस्पांस के लिए, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये पहले वाला कोड था, और इससे पहले ये कुछ वार लॉक्स किए गए हैं, इनको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। वापस से मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, मैंने यूज़र नेम डाला हर कुछ, पासवर्ड डाला हर कुछ, और मैंने साइन इन क्लिक किया, क्या आ रहा है 404 आ रहा है। और इसको देखो यहाँ पर कोई एरो आ रहा है क्या, कि क्या इस स्ट्रिंग को मैं कोलैप्स और एक्सपांड कर सकता हूँ क्या, नहीं, इसका मतलब ये एक जेसन की स्ट्रिंग है, और यदि कोलैप्स इस तरीके का एरो आ जाए और उसको मैं कोलैप्स और एक्सपांड कर सकूं, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट को हम कोलैप्स और एक्सपांड कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मैं वापस अगर एडमिन, और मैंने एडमिन लिखा और मैं साइन इन क्लिक करूँ, तो मेरा स्टेटस कोड क्या आ गया 200। इस 200 से मैं पिक करूँगा कि वाकई में वो यूज़र वैलिड है कि इनवैलिड है। सो सबसे पहला काम है क्लाइंट साइड पर आपने रिस्पॉन्स लिया, और इसी रिस्पांस को आपको, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपको करना है यू आर रिसीविंग व्हाट जेसन स्ट्रिंग। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दैट जेसन स्ट्रिंग टू व्हाट कॉल्ड जेसन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब तक मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूं। सो ये जेसन की स्ट्रिंग मैंने रिसीव करी हुई है यहां पर, ठीक है। हमें सबसे पहले जो सर्वर से रिस्पांस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यू आर रिसीविंग जेसन स्ट्रिंग, तो हमें ये जो रिस्पांस वेरिएबल में जो लॉक किया हुआ है ये क्या मिला है मुझे, जेसन स्ट्रिंग। सो जेसन स्ट्रिंग को जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है, यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स उसी वेरिएबल को मैं वापस से रीयूज कर रहा हूँ, है ना, कोई अलग वेरिएबल नहीं बना। सो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू जेसन, कैपिटल में लिखना है जेसन डॉट पार्स, इस फंक्शन को करना है। सो जेसन इज एन ऑब्जेक्ट एंड पार्स इज मेथड। सो ये मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। सो पार्स क्या है, मेरी मेथड है, और वो मेथड किसकी मेथड है, जेसन ऑब्जेक्ट की। सो जेसन डॉट पार्स फंक्शन, और इसके अंदर आप क्या ये कर दो, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसी लाइन को वापस से कॉपी किया, वापस से पेस्ट करो, तो अब देखिएगा आपको क्या मिलता है, अब आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल में जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा,
जेसन ऑब्जेक्ट। ये मैंने सेव किया और आउटपुट देखते हैं। ये रिफ्रेश किया, ये मैंने एडमिन ADMIN एडमिन और मैंने साइन इन क्लिक किया। तो देखिए पहला वाला जो लॉग है उसको मैं कोलैप्स और एक्सपांड नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये जेसन की स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो कोलैप्स और एक्सपांड कर पा रहा हूँ मैं, तो ये मेरा जेसन का ऑब्जेक्ट है, और जेसन का ऑब्जेक्ट है तो मैं इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो स्टेटस क्या है मेरा? प्रॉपर्टी है। गौर से देखो कर्ली ब्रेसेस, और मैंने हर बार बता रखा है कर्ली ब्रेसेस मतलब ऑब्जेक्ट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक ही पैटर्न चलता है, प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू। सो मुझे किस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है? स्टेटस प्रॉपर्टी को। सो अब आपका यहाँ पर लॉजिक इफ एल्स वाला जो लॉजिक है वो चल जाएगा। सो इफ एल्स वाला लॉजिक अगर हम चलाएं, इफ एल्स वाला ले लेते हैं, इफ एल्स वाला लॉजिक लगाया मैंने। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इफ इट इज इक्वल टू 200 देन हमें क्या बोलना है, अलर्ट करवा देते हैं क्या, वेलकम अदरवाइज इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। पेस्ट किया, इसको मैंने बोल दिया इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, सेव किया, आउटपुट देखा, यहां पर मैंने किया है एडमिन और ये वेलकम आ रहा है। ठीक है, चूंकि ये सही है, अब मैं अगर गलत डाल दूं हर कुछ पासवर्ड डाल दूं तो मुझे वो ऑथेंटिकेशन हो गई, देखिएगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि वेलकम है तो हमें क्या करना है, डैशबोर्ड पेज पे रिडायरेक्ट करना है। डैशबोर्ड पेज वो पेज होता है जहां पर एडमिन अपनी सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, सारे पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकता है, वेबसाइट में नए नए एलिमेंट्स ऐड कर सकता है। तो हमने भी अपना एक डैशबोर्ड पेज बना रखा है, तो मैं स्टैटिक आपको बता देता हूँ। मैं डायरेक्टली URL में जाके अभी dashboard.php मैं आपको बता देता हूँ। सो ये मेरा ऑलमोस्ट क्या है, ये मेरा एक डैशबोर्ड पेज है। सो इसी डैशबोर्ड पेज पर मुझे आना है कब, जब मेरे यूजर नेम पासवर्ड सही होंगे तब। सो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आए हम, ये जो वेलकम मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे रीडायरेक्ट करना है। सो यहाँ पर आप रीडायरेक्ट करवा सकते हो window.location इज इक्वल टू, यहाँ पर आप कर लेना dashboard.php। ठीक है, तो देखते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया मैंने, कॉन्सोल लॉक किया और एडमिन और रिफ्रेश नहीं किया मैंने। एडमिन ठीक है, ये रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, इस पेज पे मेरा रीडायरेक्ट हो गया, मगर before redirecting to dashboard page we need to create session variables। मतलब डैशबोर्ड पेज पे पहुंचने से पहले, रिडायरेक्ट करने से पहले यूजर की जानकारी हमें सेशन वेरिएबल में स्टोर करनी है। तो सेशन वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यहाँ पर आपको ये जो 200 वाला ब्लॉक है, यहाँ पर आपको सेशन वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ेगा यहाँ पर। सो स्टोर user information in session variables। अब session variable को use करना है तो उसका एक rule होता है कि session variable को आपको session variable से related आपको कुछ भी करना है तो सबसे ऊपर ही ऊपर, connection से भी ऊपर सबसे पहला काम है आपका session को start करना। so ये session को मैंने start किया, अब जाके मैं यहाँ पर अपना सेशन वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने किया $_session और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने सबसे पहला सेशन वेरिएबल मैंने बना दिया, और वो किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने क्या ले लिया, fname नाम से, ये जो कॉलम नेम है उसी नाम से मैं सेशन वेरिएबल बना रहा हूँ, है ना। बट यहाँ पर आप जो चाहें वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जैसे fname की जगह first name भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
जो नाम यहाँ आप बना रहे हो वही नाम फिर आगे आपको एक्सेस करना है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं जो टेबल के नेम है उन्हीं के नाम से मैं सेशन वेरिएबल बना लेता हूँ ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर एफ नेम ही ले रहा हूँ। ये किया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो मुझे इस यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि मैं लाइन नंबर 17 पर क्यूरी परफॉर्म कर चुका हूँ सिलेक्ट की, तो मुझे नंबर ऑफ रोज यहाँ गेट करने हैं। सो यहाँ पर मैंने कमेंट करके लिख दिया गेट रोज। सो गेट रोज, सो रोज कैसे गेट करेंगे, यहाँ पर मैंने ये लिया एक डॉलर रो नाम का वेरिएबल लिया MySQLi अंडरस्कोर फैच रो। यहाँ पर आप देखिएगा ये एक ही आर्गुमेंट मांग रहा है जो कि रिजल्ट वेरिएबल है। सो ये रिजल्ट वेरिएबल ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट किया सेमी कॉलन। अब आप देखिएगा ये जो रो जब गेट करता है तब इनके जो ये कॉलम नेम्स हैं ये इंडेक्स नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो यदि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो पहला कॉलम हमेशा जीरो इंडेक्स पर होता है 1, 2, 3, 4। तो मुझे फर्स्ट नेम गेट करना है तो मुझे किस इंडेक्स नंबर को रेफर करना होगा 1। सो यहां पर मैंने लिया डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंडेक्स, बस हमारे लिए इतना ही काफी है। ये सेशन वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया है, उसके बाद ये एफ नेम ये सेशन वेरिएबल हो गया। अब देखते हैं ये वापस से गया, मैं यहाँ पर इंडेक्स पर गया index.php एंटर किया, यहाँ पर आप देखिएगा नेटवर्क टैब में गए, ये सारा मैंने क्लियर किया यहाँ पर गए और ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ डैशबोर्ड पेज पर आ गया। मगर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं वो मुझे थोड़ा डायनेमिक करना पड़ेगा। सो मैं डैशबोर्ड पेज पर गया और सबसे पहले इन एलिमेंट्स को मैं अलग अलग कर देता हूँ। सो आप देखिएगा डॉक टाइप से लेके स्टार्ट किया, बॉडी के अंदर घुसते ही हमें रैपर मिला और रैपर के अंदर सबसे पहला काम है हमें हेडर मिला। सो ये हेडर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और नीचे नीचे आप जाओगे कहीं ना कहीं हेडर का क्लोज मिलेगा। सो जो हेडर के स्टार्ट और हेडर के क्लोज तक के सारे टैग्स को मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, कट किया, फाइल में गया, न्यू यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव किया और इसको यहीं पर मैंने किस नाम से सेव कर दिया header.php से, और वापस से डैशबोर्ड पेज पे आ जाओ, आपका कर्सर वहीं ब्लिंक कर रहा है जहां से आपने कट किया था, तो वहीं पर आपको पीएचपी टैग चालू करना है और एक फंक्शन यूज करना है इंक्लूड नाम से, और इस इंक्लूड फंक्शन के अंदर आप स्ट्रिंग के अंदर आप उस फाइल का नाम दे दो जो कि अभी जस्ट रिसेंटली आपने क्रिएट करी है। सो यहाँ पर मैंने दे दिया क्या header.php। उसी प्रकार से आप देखिएगा असाइड, अब मैं आपको भी ये भी बता दूं कि ये किन किन एलिमेंट्स को मैं अलग करना है। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ऊपर वाली, ये ब्लू पट्टी जो दिख रही है, ब्लू बार जो दिख रहा है, ये हमारा हेडर है। सो हेडर को मैंने अलग कर लिया। ये जो डार्क ये जो सेक्शंस दिख रहा है ये इनको हम हमेशा असाइड बोलते हैं, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर कि असाइड का एक सेक्शन मिल रहा है, ये असाइड को सिलेक्ट किया है मैंने और असाइड यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके लास्ट में असाइड क्लोज हो रहा है, इसको मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, कट किया, फाइल में गया, न्यू प्रेस किया, सेव किया और यहाँ पर मैंने ले लिया aside.php, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वापस से क्या किया, इंक्लूड करवा लिया, इंक्लूड, और मैंने क्या लिया aside.php, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, ठीक है, टेस्ट कैसे करें कि प्रॉपरली इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ, हेडर के आगे जो इंक्लूड है यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो आप देखिएगा सेव किया इसको और आउटपुट देखिएगा, सो हेडर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो सक्सेसफुली इंक्लूड हो गया। उसी तरीके से अगर मैं असाइड को कमेंट कर दूं तो फिर आप आउटपुट देखिएगा, आपका असाइड भी नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब सक्सेसफुली हमने इंक्लूड किया हुआ है। उसी प्रकार से आप क्या करिए, अपने फुटर को जो लास्ट में ये फुटर है, इस फुटर को भी आपको अलग करना पड़ेगा। सो फुटर का कोड आप देखिएगा नीचे कहीं होगा, तो आप जाइएगा ये फुटर का कोड है, फुटर स्टार्ट फुटर क्लोज, ठीक है। ये फुटर स्टार्ट फुटर क्लोज को मैं कट किया, यहाँ से फाइल में गया, न्यू पेस्ट किया, सेव किया, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या footer.php, और इसको आप वहीं से इंक्लूड करवा लो वापस से,
include footer.php, ठीक है, ये मैंने footer.php को include करवा लिया, सेव किया, आउटपुट देखा और देखिएगा फुटर आ रहा है। अब देखिएगा मैं कमेंट करता हूँ सेव, फुटर नहीं आ रहा है। सो ये फुटर को भी मैंने अलग कर लिया। अब उसी प्रकार से आप ये अपने कंट्रोल साइड बार को भी अलग कर लो। ये देखो ये क्लिक कर रहे हैं तो ये कंट्रोल साइड बार है। सो ये कंट्रोल साइड बार, ये कंट्रोल साइड बार, ये कोड रहा। सो ये इस कंट्रोल साइड बार को भी मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कंट्रोल साइड बार ये असाइड तक है, मगर ये आप देखिएगा ये बैकग्राउंड भी इसी का पार्ट है, तो इसलिए मैं यहाँ तक ले रहा हूँ। कंट्रोल एक्स, फाइल में गए, न्यू, पेस्ट, सेव, और इसको मैंने दे दिया कंट्रोल अंडरस्कोर साइड बार, डैश नहीं लगाना है ना, साइड बार ले लिया, सेव किया मैंने। और यहाँ पर मैंने वापस से लिखा, इसको इंक्लूड किया मैंने कंट्रोल अंडरस्कोर साइड कंट्रोल साइड बार डॉट php किया, और देखते हैं कि क्या साइड बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सेव किया और आउटपुट आप देखिएगा। तो अब देख लो, क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, वो पैनल नहीं आ रहा है क्योंकि उसका कोड मैंने कमेंट किया हुआ है। सेव किया, रिफ्रेश किया, अब देखिएगा, ठीक है। सो ये कंट्रोल साइड बार भी कोड मैंने इंक्लूड करवा दिया। अब हम आते हैं डैशबोर्ड पेज पे, और डैशबोर्ड पेज पर आपको क्या करना है, एक फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी जो कि मेरे पूरे लॉजिक को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर हमने इंक्लूड किया और यहाँ पर आपने ले लिया functions.php, आपने ये फाइल लिया, और ये फाइल अभी है नहीं यहाँ पर, तो आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, सेव किया, सेव करो आप, और अपने बना लिया। रिक्वायर और इंक्लूड दोनों ही फाइल को आपके कोड के अंदर लेके आते हैं, बट रिक्वायर के अंदर यदि कोई भी एरर होता है तो आपका जो एग्जीक्यूशन है, कोड का एग्जीक्यूशन, वो वहीं रुक जाता है, ठीक है। सो रिक्वायर थोड़ा सा स्ट्रिक्टेड है कि अगर उस जिस फाइल को रिक्वायर कर रहे हैं उसके अंदर कोई एरर नहीं होना चाहिए, अगर एरर है तो तुरंत रोक देगा, आगे प्रोसेसिंग नहीं होगी। मगर इंक्लूड में ऐसा नहीं होता है, इंक्लूड में अगर उस जिस फाइल को आप इंक्लूड करवा रहे हो उसमें कोई एरर आ भी गई तो उस एरर को छोड़ के वो उस फाइल को इंक्लूड कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। सो इसलिए होता है। सो ये functions.php हमने लिखा, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। अब आप देखिएगा, चूंकि मुझे सेशन वेरिएबल यूज करना है तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, अपना सेशन स्टार्ट करना है। सो इस पेज पर आप अपना सेशन स्टार्ट कीजिए, सेशन सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये आपने कर दिया। अब आप देखिए डैशबोर्ड में ऊपर ही ऊपर आपने सेशन स्टार्ट कर रखा है, इसका मतलब हेडर के अंदर जहां जहां पे भी आपके वो नेम आ रहे थे, जैसे ये अलेक्जेंडर ही आ रहा है, तो इसको मैंने रिमूव किया, इस पूरे नेम को मैंने कॉपी किया और मैं फाइंड कर लेता हूँ और इसको मैं रिप्लेस करवा देता हूँ। पहले तो फाइंड कर लेते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, सो इसको मैंने हटाया, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, सो इनको हटाते हैं। सो ये किया मैंने डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और कॉलम नेम क्या था हमारा, एफ नेम लिखा, ये के यही मैंने यहाँ पर कॉपी किया और मैंने इतना पेस्ट कर दिया। और फंक्शन में गए, अलेक्जेंडर, एक और अलेक्जेंडर को ढूंढ लेते हैं, दो तीन है शायद, हाँ वो असाइड में हो सकता है। ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो देखो ये अनिल आ गया, आ रहा है अनिल, अनिल इस टाइप से आ रहा है, अगर स्मॉल लेटर में आ रहा है तो है ना। ये functions.php में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, यूज़र इन्फो, और ये ले लिया, और इसी फंक्शन को क्या करते हैं हम, ये जहाँ जहाँ पे भी ये ज़रूरत पड़ रही है बार बार, है ना, तो इस फंक्शन को मैं कट
कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। और इसको मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ कर लिया, str2upper, इस फंक्शन में रैप कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं जब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी यूज़र इन्फो, मैंने फंक्शन को कॉल करवा लूँगा, तो साइट के अंदर भी मैं किस फंक्शन को कॉल करवा लूँगा, यूज़र इन्फो और यूज़र इन्फो सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए अनिल कैपिटल में अनिल, ठीक है, ये सारा हो गया है। अब लॉग आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो लॉग आउट में ये है कि आप डायरेक्टली आप क्या करो, logout.php एक फाइल बनाओ। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाया, इस फाइल को मैंने सेव किया और इसको मैंने दे दिया logout.php। यहाँ पर सबसे पहला काम है आपका सेशन को स्टार्ट करना, दूसरा काम है सेशन को डिस्ट्रॉय करना, तीसरा काम है रीडायरेक्ट करना। सो रीडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज को रीडायरेक्ट कैसे करवाते हैं, हेडर एग्जिट से, है ना, हेडर एग्जिट। और हेडर के अंदर हमेशा क्या लिखते हैं, लोकेशन। सो ये मैंने लिखा लोकेशन कोलन index.php, सेव किया और आउटपुट देखा मैंने, रिफ्रेश किया, यहाँ पर क्लिक किया। अच्छा, इसके href में अभी हेडर के अंदर इसमें आप देखिएगा ये साइन आउट है, अभी हैशटैग लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, logout.php, सेव। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो लॉग आउट वाले पेज को मैं है ना href से कॉल करवा रहा हूँ, मतलब आप यही लॉग आउट वाला जो टास्क है आप किससे कर सकते हो, Ajax के थ्रू भी कर सकते हो, मतलब क्लिक होगा सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से सेशन डिस्ट्रॉय होगा। मगर अभी हमने वो उससे भी ज़्यादा सिंपल तरीका ये है कि डायरेक्टली पेज को रीलोड करवा देना। और Ajax का काम ही क्या होता है, विदाउट रीलोड हमें ऑपरेशन करवाना है। तो कम से कम ये लॉग आउट वाला आज आप ये देख लो कि क्या हो रहा है कि रीलोड करके मैं एक पेज को कॉल करवा रहा हूँ, उस पेज का नाम क्या है, लॉग आउट। यहाँ पर आप देखिएगा, है ना, सो ये लॉग आउट। सो ये क्या Ajax से कॉल हो रहा है कि रीलोड से कॉल हो जाएगा, सो रीलोड से कॉल हो जाएगा और फटाफट हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसमें बहुत आसान भी होता है और फटाफट डेवलपमेंट भी होता है, मगर हर काम Ajax से करवाना डेफिनेटली आपका स्पीड फास्ट होता है बट टाइम लगता है डेवलपमेंट में। तो अगले वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको लॉग आउट वाला जो पेज है या सेशन को डिस्ट्रॉय करके इंडेक्स पेज पे रिडायरेक्ट करना भी मैं किससे बताऊंगा आपको, Ajax के थ्रू ही बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।